अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? क्या हाल है? सब ठीक होंगे? जल्दी देख लें इंट्रो। देख लिया होगा? देख लिया। हाँ, देख भी नहीं जबरदस्त नहीं भी देखा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हम लोग जो आज आप लोगों के लिए सॉन्ग लेके आए हैं, वो तो कर रहा है ट्रेंडिंग पाकिस्तान में और ओवरऑल मेरे ख्याल से तो हर जगह पे कर रहा होगा, क्योंकि सॉन्ग ही कुछ ऐसा है। तो सॉन्ग का नाम है पसूड़ी, और पसूड़ी है, पसूड़ी का मतलब बताओ प्लीज। पसूड़ी का मतलब मुझे भी नहीं पता, ये पंजाबी वर्ड है मेरे ख्याल से। पसूड़ी मीन्स मुझे नहीं पता, पसूड़ी आई थिंक सो कोई फसाद डालना, या पसूड़ी मींस कोई रुकावट या कुछ कुछ ऑल दैट, मुझे नहीं पता। देखो गूगल पे। नहीं, अब इतना टाइम नहीं है कि हम पसूड़ी का मतलब देखें। सो गाइस, पसूड़ी जो है कर रहा है ट्रेंड हर जगह, हमने कहा क्यों ना इस पे रिएक्शन दिया जाए। और इसका भी मैंने हुक सुना हुआ है, क्योंकि इस पे बनाई थी मैंने अपनी टिकटॉक रील, और जो है पसूड़ी पे मुझे बहुत मैंने पसंद कुछ आया भी था। नहीं सुना। ठीक है, तो हम इसको सुनेंगे। इसमें जो है अली सेठी हैं, शेर गिल हैं, और इन दोनों का हुआ है कोलैब। और शेर गिल का ये जो है क्या बोलते हैं, पहला डेब्यू सॉन्ग है, कुक स्टूडियो में ही है। और जो है क्या बोलते हैं, सुनते हैं कि किस तरह का ट्रैक है। तो मिलते हैं आपसे रिएक्शन पे। सो गाइस, आ गए हम रिएक्शन की वीडियो की तरफ। और मैं पहले ही बता दूँ, इस सॉन्ग में ज़्यादातर तो उर्दू का इस्तेमाल नहीं है, पंजाबी सॉन्ग है। और जो है, और ज़ैनब को पंजाबी समझ नहीं आती है, तो देखते हैं इसके लिए डिफ़िकल्ट होगा समझना मुझे इतनी नहीं आती समझ, वो एंड एक्सक्यूजेस वगैरह भी ना बड़ी मुश्किल से उसको समझा था। और सो गाइस, हमारे 100 के व्यूज हो गए हैं उस पे, वो। और वो मतलब वीडियो डीमोनेटाइज हो गई। हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जिस वीडियोस पे ज्यादा व्यूज होते हैं वो डीमोनेटाइज एलिजिबल हो जाती है, और हम लोग कहते हैं यार क्यों, व्हाई व्हाई अस, व्हाई डू यू डू दिस टू मी, व्हाई अस, हम क्यों। व्हाई यू, लेकिन खैर, हम वीडियोस यू बनाते डू, रहेंगे, मोनेटाइज वीडियोस हो ना हो, लेकिन हम तो वीडियोस बनाते रहेंगे। पैसे की सोच नहीं है, हम इससे रिएक्शन आगे देते की रहेंगे, है। हम रिएक्शन देते रहेंगे और आप हमें सपोर्ट करते रहें। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। Cook Studio, Season 14. I just love this girl voice. अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी भेजावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मनू ना रोके मेरे डोल जुदाई जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे ढोल जदाइयां दी तेनू खबर जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये
जान ती पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू रावच बावच ओनु लुका मैं कोई मैनू ना रोके मेरे डोले जुदाइयां दी तनु खबर की मैं हो गए आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना हो गए आ बढ़िया बढ़िया दी गल बात की मैं हो गए आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना हो गए पूरा भी ना हो गए पूरा भी ना हो गए होता है यहाँ पर सॉन्ग का एंड और सॉन्ग बड़े मजे का लगा और बड़ा कैची सा था, हाँ और बड़ा मजे का सॉन्ग था और पंजाबी इस्तेमाल हुई है इसमें और पसूड़ी वर्ड भी एक्चुअली पंजाबी का ही है और इसकी मीनिंग हमें नहीं पता इतनी लेकिन जो लोग पंजाबी होंगे उन्हें पता होगा कि पसूड़ी किसे कहते हैं। मेरे ख्याल से तो किसी चीज़ की रुकावट लाना या कोई चीज़ इस तरह से उसे पसूड़ी कहते हैं। और जो ये फीमेल वोकलिस्ट है शेगिल, ये इनका पहला डेब्यू गाना है और हम इनको कहते हैं बेस्ट ऑफ लक के फ्यूचर की जो है बहुत अच्छी सिंगर बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वो ऐसे हो गए ना जैसे मोमिना मुस्तहसन की भी किसी ने इंस्टाग्राम से वीडियो देखी थी और कोक स्टूडियो पे ना ऑफर हो गई थी आफरीन पे, ऐसे इनके साथ भी हुआ है कि इंस्टाग्राम से ऐसे भी होता है। हाँ और लड़के बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, लड़कियों को एक मिनट लगता है और भाई है नहीं, लड़कियों का भी टैलेंट होता है मैं ही नहीं कह रही, बट वो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आई थिंक। नहीं उनकी आवाज़ अच्छी है, शेगिल की आवाज़ अच्छी लगी है मुझे, लवली वॉइस। नहीं मतलब लड़के मेहनत करते हैं 9-10 साल फिर जाकर कोक स्टूडियो को उनको इंस्टाग्राम से आ रहे होंगे, जाकर आप कर ले फॉलो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।